Hi, grade 5th. In today's class, I am starting with chapter number 19, that is direct and indirect speech. Direct and indirect speech topic थोड़ा important इसलिए है क्योंकि जैसे आप लोग grade 1st से naming words, that is nouns, pronouns, collective nouns, then adjectives, adverbs, ये सारे जो टॉपिक्स आप करते आ रहे हो जो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके इतने सालों तक चले, ठीक है, हर बार अपग्रेड होते रहे, ये टॉपिक ऐसा है जो अब आप रेगुलरली हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें सीखेंगे और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जिसमें वर्ब्स, आपको इसके लिए टेंसेस की नॉलेज होनी जरूरी है, इसी के साथ आप टेंसेस को आइडेंटिफाई करके प्रेजेंट टेंस, इफ यू नो द प्रेजेंट टेंस देन इट शुड यू शुड ऑल्सो नो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर पास्ट टेंस की बात कर ले, यू शुड नो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एज वेल एज पास्ट परफेक्ट टेंस. सो फॉर मी दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये चैप्टर आपके नेक्स्ट फ्यूचर का बेस बनेगा. आपको इंग्लिश में चेंज द वॉइस करके एक टॉपिक आता है और आइदर दे डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चंस लाइक चेंज द सेंटेंसेस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस एंड ऑल. सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. मार्क दिस एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. टिल 7th, 8th, 9th तक आपको ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे. सो इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा. आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल बट देन टू इट्स योर ड्यूटी टू रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स. टिल वॉट वी हैव स्टडीड इन ग्रेड 5th फ्रॉम ग्रेड 1st. नाउ read the following sentences. The principal announced tomorrow is a holiday. आपको पता कैसे चलेगा कि ये sentence direct speech में है या indirect speech में है? उसके दो तीन points हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं. एक, जो person बात कर रहा है या फिर जो भी कहना चाहता है उसने जो words कहे वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे, ठीक है. जैसे मैंने कहा, वैशाली सैड आई एम गोइंग टू विद्यानगर टूडे, ठीक है. तो जैसे मैंने कहा, वैशाली सैड कॉमा आई एम गोइंग टू विद्यानगर विद्यानगर टुडे, ठीक है. मतलब ये जो मैंने जो भी कहा ये सेम टू सेम वर्ड्स वो इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे. मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये वर्ड्स वैशाली ने ही कहे, तो ये चीज डायरेक्ट थिंग हुई, ये डायरेक्ट स्पीच हुई. ये देखने का ये फर्स्ट तरीका है. In this sentence, the words within the quotation marks are exact words spoken by the speaker. These words are in direct speech. जैसे मैंने कहा कि quotation marks में जो sentences लिखे हैं वो बता रहे हैं कि यही same exact words वैशाली ने कहे. और जैसे यहाँ पे the principal announced tomorrow is a holiday, यही same exact words principal sir ने announce किए. The indirect speech, the exact words of the speaker, quoted words, are put within the inverted commas. The reporting verb introduces the quoted words.
The first word within the inverted commas begin with a capital letter and comma separated the quotes from the rest of the sentence. Okay. अब इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी स्पीकर ने, जो भी यहाँ पे बोलने वाला जो भी बंदा है, उसने जो भी वर्ड्स कहे हैं वो सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड्स बिना चेंज किए, बिना कुछ भी चेंज किए हमें कोटेशन मार्क्स में लिखने होते हैं. ये इसका फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, कोटेशन मार्क्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से शुरू होता है. थर्ड थिंग, जब कोटेशन मार्क्स शुरू होता है या खत्म होता है, अगर सेंटेंस के एंड में कोटेशन मार्क्स आ रहे हैं, मतलब पहले किसने कहा उसका नाम आया और उसके बाद कोटेशन मार्क्स वाला सेंटेंस दिया है, देन एट द एंड ऑफ द फुल स्टॉप और वॉट एवर जो भी पंक्चुएशन मार्क लग रहे हैं वो, और पहले अगर कोटेशन मार्क आ रहा है और बाद में स्पीकर का नाम आ रहा है, तो जहां पे भी कोटेशन मार्क्स शुरू हो रहा है वहां पे या फिर एंड हो रहा है वहां पे, स्पीकर के नाम को और कोटेशन मार्क वाले सेंटेंस को कॉमा से सेपरेट किया जाता है. जैसे मैंने यहाँ किया, वैशाली सेड कॉमा आई एम गोइंग टू विद्यानगर टुडे. मैंने वैशाली सेड और कोटेशन मार्क वाले सेंटेंस को कॉमा से सेपरेट किया, और ये तो आई है इसलिए, वरना इसको भी हम कैपिटल से ही शुरू करते हैं. यस, जैसे मैंने कहा कि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी कोटेशन मार्क शुरू होता है और जो स्पीकर है उन दोनों के बीच में जहां पे भी वो कंप्लीट हो उसके पहले कॉमा आएगा. यहाँ कहते हैं शीला सेड आई एम लिविंग एट 6 PM. जैसे शीला है वो स्पीकर है, सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है. ये सेड से हमें वर्ब का पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में कहा गया है. जैसे सेड है वो पास्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, राइट. तो रिपोर्टेड वर्ब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है और हमें कौन से उसमें चेंज करना है.